अंशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद इस वक्त पूरे ही देश भर में शोक का माहौल है। वहीं जो उनका पैतृक गाँव है सैफई, जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी सरकार 3 दिन का राजकीय शोक मना रही है और 21 अक्टूबर के दिन नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में यहां पर अब बेहद बड़ी चुनौतियां अब सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। जी हां, अखिलेश यादव जो अंदर से बुरी तरह से टूटे हुए हैं और अखिलेश यादव के सामने इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। यादव परिवार को कैसे संभालना है, दूसरी ही तरफ यहां पर समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत बनाए रखना है। नेताजी ने जिस तरीके से इस पार्टी को स्थापित किया और इस पार्टी की कमान को किस तरीके से अखिलेश के हाथों में सौंप दिया, अब यहां पर उन्हें सीख देने वाले नेताजी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है मैनपुरी की सीट को लेकर, आखिरकार मैनपुरी से मैदान में किसे उतारा जाएगा। मुलायम सिंह यादव जो लंबे वक्त से मैनपुरी से चुनाव जीतते चले आए, साल 1996 से लेकर अब तक वह वहां के सांसद रहे, लेकिन नज़ारा ये देखने को मिला कि अब मुलायम सिंह यादव तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद यहां पर इस पार्टी से किसे मैदान में उतारा जाएगा। इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उन राजनीतिक समीकरणों पर गौर किया जाए तो क्या कुछ सामने आया है। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था कि अखिलेश यादव खुद को आगे रख सकते हैं मैनपुरी से, वहीं या फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव को आगे किया जा सकता है। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया और साथ ही साथ यहाँ पर तेज प्रताप यादव के साथ यहाँ पर अक्षय यादव का नाम भी सामने आया। तो ऐसे में अब यहाँ पर सियासी समीकरण जो बन रहा है उस पर अगर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब यह दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव को आगे रख सकते हैं या फिर वह आगे कर सकते हैं अब यहाँ पर किसी और सदस्य को। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो लगातार यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें नेताजी मैनपुरी सीट से साल 1996, 2004, 2009, साल 2014 और साल 2019 में जीत हासिल किए। अखिलेश यादव खुद करहल सीट से यहाँ पर चुनाव लड़े और अब जहाँ एक तरफ उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट को छोड़ दिया था, तो वहीं मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं मैनपुरी सीट पर। ऐसे में यहां पर चुनावी रणनीति के लिए किसे मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धर्मेंद्र की एक छवि है जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के सीट छोड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुना गया, तो वहीं अपनी पैठ भी इस इलाके में उन्होंने मजबूत बनाए रखी है। अखिलेश यादव के साथ संबंध उनके काफ़ी अच्छे हैं। धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद रह चुके हैं। अगर ऐसे में उनको ये मौका मिलता है तो साल 2024 में बदायूं को लेकर दावा ठोक सकते हैं और मैनपुरी में जिसे इस बार मौका मिलेगा शायद वही चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को शायद मैदान में उतारा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही इस रिपोर्ट के ज़रिए कि आखिरकार किस तरीके से अब मैदान में उतारा जा सकता है धर्मेंद्र यादव को। डिम्पल यादव का नाम भी सामने आया, लेकिन डिम्पल यादव से हटकर क्या वाकई में अखिलेश यादव यहाँ पर धर्मेंद्र को आगे करेंगे। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा था कि वह डिम्पल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, वह चाहे जिससे भी चुनाव लड़वा सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव का मैनपुरी के लिए क्या कुछ फैसला होगा। बहुत ही देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या मुलायम सिंह यादव की तरह यहां पर धर्मेंद्र यादव जनता को एक बार फिर से इंप्रेस कर पाएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।